गुड मॉर्निंग फ्रॉम त्रिवेणी। ये है व्यू इधर सुबह सुबह। त्रिवेणी नदी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है काफ़ी। कल यहाँ तक पानी नहीं था। एनीवे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड हाँ, अभी का वेदर ठंडी है बट वो कपकपाने वाली नहीं, बट है। तो सब लोग सोए हुए हैं, लगता है मैं ही पहला इंसान हूँ जो यहाँ पे जाग चुका हूँ इतना जल्दी। पहली बार टेंट कैंपिंग किया, बॉनफायर, बारबेक्यू, एवरीथिंग। एंड सैड न्यूज़ कि रिटर्न जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। सो त्रिवेणी ऑसम। आफ्टर गुदांगमारी अमथांग त्रिवेणी इज द थर्ड वन। मज़ा आ गया। अब एक ही बार बैग वैग सब रेडी है, बाइक में बांधना और निकलना है दुर्गापुर के लिए। चलिए यहीं पे अपना ट्रिप ख़त्म करते हुए, बोलना नहीं चाहता बट फिर भी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे विथ नेक्स्ट ट्रिप प्लान। चल रहा हूँ अपने मेन वाले कैंप जहाँ पे हमारा सामान है, लगेज। सो शुरुआत करते हैं यहाँ से हमारा होम कमिंग ब्लॉग, जो कि यहाँ से मैं सीधा जाने वाला हूँ दुर्गापुर। रूट आज मैं पहली बार दूसरा रूट लूँगा, आज वाया भागलपुर नहीं बल्कि मालदा फरक्का होके जाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन रहती है, क्या जैम रहता है या फिर जस्ट वो पीक ऑफ मोमेंट, लाइक क्या किस्मत ख़राब हो तो जैम या फिर रेगुलर का जैम है। सो आज पता लग जाएगा। सो आज को मैं मालदा होके जाऊंगा फरक्का होके, वहाँ से रामपुर हाट होके दुर्गापुर। उम्मीद तो कर रहा हूँ कि शाम 7-8 बजे तक मैं इंटर कर जाऊँ। सो लेट्स सी क्या होता है, मिलते हैं। बाइक वाइक पैक करके सब कुछ, चार्ज लगा दूँ गोप्रो भी, कल रात चार्ज लगाना भूल गया था। सो गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 8:12 और ये है हमारा फेयरवेल गिफ्ट लोकल्स के थ्रू। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फेयरवेल मिला हमें और अभी घर के लिए रवाना हो रहे हैं। आज को न्यू रूट से जाएंगे मालदा फरक्का होके। सो 529 किलोमीटर्स मेरे घर और ये लोग का थोड़ा दूर पड़ेगा। यहाँ पे सब लोग हैं हम लोग, तो चलते हैं। ये फेयरवेल गिफ्ट हमेशा मुझे याद रहेगा। थैंक यू। चले आप फाइनली हम लोग रवाना हो चुके हैं घर के लिए। इट्स टू लेट बट वर्थ इट। सुबह सुबह काफ़ी मज़ा आया। अगर हम लोग सुबह भोर को ही अगर निकल जाते ना, सो वो मज़ा नहीं आता जो अभी आया है। मानता है घर थोड़ा लेट घुसूंगा लेकिन सब मज़ा आ रहा है, क्योंकि सुबह उठा, सुबह का यहाँ का नज़ारा भी देखा, सुबह का फीलिंग लिया कैंपिंग का, चाय लिया, नाश्ता लिया, उसके बाद सबके साथ फोटोग्राफी भी हुआ और अब फेयरवेल गिफ्ट भी मिला और ये बहुत अच्छा लगा हमें। एकदम घर जैसा माहौल था, खाना का टेस्ट भी लाजवाब था। सो अभी यहाँ से जो नया जर्नी है घर की तरफ, चलते हैं घर की तरफ, मिलेंगे रास्ते में तो वीडियो में करूँगा ही। सो सिलीगुड़ी पहुँच के मैं कैमरा एक ही बार ऑन करूँगा क्योंकि लंबा भी जाना है। अभी हम लोग खड़े हैं यही सिलीगुड़ी क्रॉस करके, बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो शायद सेबॉक रोड गलती से पकड़ लिए हैं तो उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम लोग यहाँ पे चाय पी लेते हैं फटाफट, फिर हम और सुदीप यहाँ से निकलेंगे। तो एक ही बार चाय वाय पी के मैं एक ही बार बाइक मोड पे मिलता हूँ।
तो अभी टाइम हो रहा है 10:50, अभी हम लोग सिलीगुड़ी से निकले ही हैं और जाना है हमें 473 किलोमीटर। चलिए सफर शुरू करते हैं, जय हनुमान। काफी ज्यादा जैम लग रहा है, काफी ज्यादा। तो अभी तक का जो है रोड तो काफी अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ये ऑफ रोडिंग भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हाईवे का हालत आप देख सकते हैं, ये हमारा नेशनल हाईवे, जी हाँ, एकदम बदबूदार। बच्चे हाईवे में ही साइकिल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मटन जो बकरी भी है, बकरी। अब क्या, यहाँ से बाइक जाएगी? यहाँ से बाइक चली गई तो मतलब कहीं से भी जाएगी। फुल कर दीजिए। सो अभी हम लोगों ने लगभग 170-180 किलोमीटर चला लिया है गाड़ी, और टैंक भी मैंने अभी जस्ट फुल करवाया है यहाँ पे। ये शायद दो लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो उनका वेट भी कर रहे हैं, और तो गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो लेट्स सी, दो जन आते ही होंगे, अगर नहीं आते तो हम लोग फिर कैरी ऑन करेंगे, फिर 70-80 किलोमीटर चलाने के बाद फिर वेट करेंगे। जानने के लिए देखिए क्राइम पेट्रोल, सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना मुंडी बचा के रहें। बाय। कहाँ के फंस गया यार, अभी दोपहर का 3:15 हो रहा है और अभी हम लोग धूल खा रहे हैं। मैं सच में भागलपुर से ही आना जाना करना पसंद करूंगा। हेलो, अभी मालदा यहाँ से 60 किलोमीटर। सो लंच भी नहीं किया था, सो एक जगह रुक गया हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ रुका हूँ, बाइक यहाँ पे खड़ी है, यहीं पे लंच कर लेते हैं। यहाँ पे राइस वाइस तो मिला नहीं, लेकिन चूड़ा और दही मिल जाएगा, जो कि अच्छा है सेहत के लिए, पेट भी ठंडा रहेगा। सो वो खा लेते हैं, फिर यहाँ से मालदा के लिए निकलेंगे। मालदा 60 किलोमीटर, वहीं पे एक फ्रेंड हमारा वेट कर रहा है जो कि छूट गया था पीछे, बट वो दूसरा रास्ता पकड़ के मालदा आ गया, और हम लोग गलती से और दूसरा रास्ता ले लिए थे, तो वहीं जाके मिलते हैं, पहले खा लेते हैं फिर। सो मौसम का मिजाज देख के कुछ खास तो नहीं लग रहा है, बस बारिश होगा, इसीलिए मैंने रेनकोट ऊपर से वाला पहन लिया है। अब टेंशन है इस फोन की, अगर बारिश हुआ तो इसको पॉकेट में रखना पड़ेगा, बाकी पैंट भीगे चलेगा। अभी भी 325 किलोमीटर मेरे घर पे, तो एस्टिमेटेड जहाँ तक मैं लगा सकता हूँ कि 1:30 तो बज ही जाएगा घर जाते जाते। हर बारे जय श्री राम। सो फाइनली हमें हमारा दोस्त मिल गया, इतने कड़ी मुशक्कत के बाद जब मिल गया है, तो अब देरी नहीं करनी चाहिए। जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक जितना हो सके स्पीड में डिस्टेंस कवर कर लें तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि एक बार अगर अंधेरा हो गया तो उसके बाद हम लोग को स्लो ऑटोमेटिक होना पड़ेगा। हम में से एक बंदा अपने कोई रिलेटिव के घर पे ही रुक गया है, क्योंकि वो राइड नहीं कर सक रहा था, तो शायद कल को अपना घर लौटे। ये है फरक्का रायगंज हाईवे, उसी का टोल है ये। हमारा एक दोस्त गलती से उधर चला गया। तो अभी यहाँ से 6 या 5 किलोमीटर पे फरक्का ब्रिज है,
ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा बाइक लेके फरक का ब्रिज पे। इसके पहले तो मैं बस से आया हूँ, होप कि वहाँ पे ज़्यादा जाम ना हो। तो ये आ गए हम लोग फरक का ब्रिज। फिलहाल यहाँ का माहौल तो काफ़ी ठंडा लग रहा है, आई मीन जैम ज़्यादा नहीं है ना जी। ना बिल्कुल भी जैम नहीं है, शायद ब्रिज काफ़ी बड़ा है तो अभी से खुश नहीं होऊंगा। सो फाइनली फरक का ब्रिज होता है ख़त्म। अभी यहाँ से मेरा घर है 144 किलोमीटर और वो लोग जो है बहरमपुर हाईवे होके कृष्णा नगर होके कोलकाता जाएगा। सो यहाँ से आई विल बी ट्रैवलिंग अलोन। सो अगेन सोलो राइड, कोई दिक्कत नहीं है। बस रूट लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि क्या करूँ, बोलपुर होके जाऊँ, कहाँ से जाऊँ। तो अभी दिमाग में आ गया है कि हाँ बोलपुर होके ही जाऊँगा, बोलपुर होके सीधा दार्जिलिंग मोड़, क्योंकि रिस्क नहीं लेना मुझे उधर के रास्ते पे। और भूख भी बहुत ज़ोर की लगी है तो दार्जिलिंग मोड़ ही जाऊँगा, वहीं पे जाकर डिनर करूँगा। यहाँ भी ढाबा है लेकिन यहाँ पे खाऊँगा नहीं, एक ही बार मैं दार्जिलिंग मोड़ पे ही जाके खाऊँगा, क्योंकि जितना हो सके ज़्यादा लेट नाइट नहीं करना चाहता मैं। अभी 9:38 हो रहा है सो रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऐसा लग रहा है जैसे अचानक से अमेरिका में आ गया, लेफ्ट लेन राइट लेन हो गया, राइट लेन लेफ्ट लेन हो गया। सो इंटरनेशनल ट्रिप मेरा यही हो जाता है। अभी मैं बीरभूम के कोई एक गांव में हूँ, शायद इस गांव का नाम है साइथिया या फिर उससे थोड़ा आगे वाला गांव। सो अभी जो मैं रास्ता को एक्सपीरियंस किया ना वो काफ़ी ही ज़्यादा डरावना, मीन्स पूरा खुला जगह, चारों तरफ खेत, डेंस अंधेरा और बीच में मेरी बाइक। सो जब भी मैं कोई रोशनी देख रहा हूँ या फिर कोई बाइक की हेडलाइट या फिर कोई कार, सो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। बट ठीक है, अभी और भी जाना है तो एक्सपीरियंस तो अलग ही है। थोड़ा हो रहा है अंदर हलचल लेकिन ठीक है। भैया बोल जी, ये रास्ता बोलपुर जावे तो जावे तो एखन तक हाईवे कत दूर? 9 किलोमीटर तापर हाईवे। अच्छा रास्ता है कोनो भय भय नहीं तो? ये रास्ता है कोनो भय नहीं तो? ये रास्ता ना रुको, ये रास्ता ठीक है, धन्यवाद। चलिए मेरे को भी मिल गई अभी सेटिस्फैक्शन, लेकिन दादा ने बोल के अपना गाड़ी घुमा लिया है, अभी को मालूम नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट। अभी मेरा 8 दिन का ट्रिप हो चुका है, अभी दुर्गापुर जा रहा हूँ अपना घर। यहाँ से ना? हाँ ये वही दिखा रहा है इधर से लेफ्ट। 14 किलोमीटर मल्लारपुर। अच्छा हाँ, तो ये जगह है रामपुर हाट। सो मैं रामपुर हाट पहुँच चुका हूँ, अभी यहाँ से सीधा है बोलपुर। तो बोलपुर के लिए चलता हूँ, वहाँ से फिर अलग रूट लेके मैं पानागढ़ निकलूँगा। पानागढ़ में जाके दार्जिलिंग मोड़ में मस्त खाना खाऊंगा, खाना खा के वहाँ से मैं घर जाऊँगा। सो फाइनली पहुँच गए पानागढ़। अभी टाइम हो रहा है 1:20। सो मैंने घर पे कॉल तो कर ही दिया है कि यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। सो खाना भी आज मैं पानागढ़ में ही खाऊँगा, इसीलिए अभी मैं पानागढ़ के इस नाग होटल पे हूँ। ये ढाबा काफ़ी फेमस है दुर्गापुर में, इस मोड़ का नाम है दार्जिलिंग मोड़। तो मैं यहीं पे खा ले रहा हूँ खाना, एंड अपने इंटायर लाइफ में आज का राइड मैंने सबसे ज़्यादा किया है, 579 किलोमीटर्स इन अ डे। सो अच्छा लगता है खुद का रिकॉर्ड जब खुद टूटता है। सो इसी के साथ सिक्किम ट्रिप भी ख़त्म, घर जा रहा हूँ वापस। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे।
आ गया भाई अपने जगह। खाना भी हो गया मेरा, पीना भी हो गया, आई मीन चाय एंड पानी दोनों। आ गया फाइनली दुर्गापुर। वैसे सिक्किम से यहाँ आने का मन नहीं कर रहा था, और जब सिक्किम से निकल गया तब पता चला नहीं घर तो घर होता है। घर आने के लिए छटपट एंड पहुंच गया अपने जगह पे। सो फाइनली अपने कॉलोनी में आ गया, पैसे बचाने अगले ट्रिप के लिए। सो अभी शायद 5 महीना तो कोई भी बड़ा ट्रिप नहीं होगा मेरे से, छोटा छोटा तो कर लूँगा। सो ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, मेरा होम कमिंग ब्लॉग। और ये आ गया मेरा घर, एंड कीप सपोर्टिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय। अभी तक मैंने टोटल चला लिया 1527 किलोमीटर्स। लास्ट व्लॉग पे, लास्ट सिक्किम ट्रिप पे टोटल चलाया था 1490, और अब 1527, नॉट बैड।